तो गाइस प्रोजेक्ट के कल की 298 एडी मूवी को हम पहले प्रोजेक्ट के नाम पे जानते थे, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट था, ठीक है ना, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट था। लेकिन जब हमें पता चला कि डार्लिंग प्रभास इस फिल्म में सुपर हीरो बन करके आ रहे हैं, उनका एक पोस्टर हमें देखने को मिलता है हाथ वाला, जिसमें वो सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम पहन करके आते हैं, उसे देख करके तो भाई एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन में डर भी रह जाता है कि हाई बजट की फिल्म है और ये लोग सुपर हीरो को ले करके आ रहे हैं, सुपर हीरो वाली फिल्म बनाना चाहते हैं, वो भी 600 करोड़ की बजट में। बजट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरह की फिल्म के हिसाब से ये कम भी है, क्योंकि हॉलीवुड में ऐसी फिल्में हज़ारों करोड़ में बनती है। तो कहीं ना कहीं डर भी था। लेकिन उसके बाद जब हमें ग्लिम्स देखने को मिलती है कल की 298 एडी मूवी का, जब टाइटल अनाउंसमेंट होती है, वो ग्लिम्स देखने के बाद भाई सब पूरा का पूरा भरोसा हो जाता है कि नाग अश्विन क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह की ये फिल्म बन रही है। एक्साइटमेंट लेवल एकदम से 4 गुना बढ़ जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक आउटपुट आने लगती है कल की 298 एडी मूवी की। और अभी जिस तरह का माहौल है, ये बुज्जी, ये भैरवा, ये एनिमेटेड फ्रीलोड, ये टीज़र, ये इंट्रोडक्शन वीडियो, ये पोस्टर, ये सारा कुछ जो माहौल ये लोग बना दिए हैं, भाई एक्साइटमेंट अभी कितना है हर एक ऑडियंस का, नॉट ओनली डार्लिंग प्रभास के डाई हार्ट फैंस लोगों का, हर एक ऑडियंस का पूरा इंडिया का जो एक्साइटमेंट लेवल है ना गाइस, उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी के पास अभी वर्ड नहीं है। सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस फिल्म का। और ये फिल्म जो है हमें आफ्टर 25 डेज, मतलब 25 दिन के बाद हमें ये फिल्म देखने को मिल रही है। यार बहुत मज़ा आएगा, लिटरली बहुत मज़ा आएगा। कल्कि का मंथ जो है वो बिगिन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और वो अभी ट्रेंडिंग पे है। हमेशा ट्विटर पे आप जाओ, जब कभी भी देखो ट्रेंडिंग 1 पे कल्कि मंथ बिगिन्स ही रह रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि लोग कितना बेसब्री से कल्कि 298 एडी मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं। और वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि इंडियन सिनेमा में इस तरह की फिल्म आप देखे होंगे, एनिमेटेड फ्रीलोड में कितना सारा डिटेल ये लोग दिए हैं, कितना किस तरह की ये दुनिया दिखाए हैं, कैसे मतलब किस तरह का विज़न है, किस तरह का फिल्म ये होने जा रही है। तो ऐसा एक फिल्म इंडियन सिनेमा में पहली बार हो रहा है, तो क्या मज़ा आएगा ज़रा सोचो, क्या मज़ा आएगा ज़रा सोचो। ओके, तो आफ्टर 25 डेज़, 25 दिन के बाद हमें ये फिल्म देखने को मिल रही है, भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, अभी हम बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर के। ट्रेलर को लेकर के ऑलमोस्ट ऑफिशियल टाइप का एक कंफर्मेशन देखने को मिली है। हेल्प प्रभास करके एक ट्विटर अकाउंट है, आप लोग जानते होंगे, वहीं से हमें बहुत सारे अपडेट वगैरह मिलती हैं, सही अपडेट मिलती है, क्योंकि वहाँ पे डार्लिंग प्रभास के बहुत सारे हार्ड कोर फैन जो हैं वो लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, और उनसे बहुत सारी अपडेट हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे हमें एक ट्वीट देखने को मिला, जो कि ट्वीट पे लिखा हुआ है कि सो आर यू फाइनली गोइंग टू अनाउंस द मच अवेटेड कल्कि 298 एडी ट्रेलर टुमारो। और बोल ट्वीट को लाइक करते हैं डायरेक्टर नाग अश्विन। ओके, तो गाइस इससे बड़ी और गुड न्यूज़ क्या हो सकता है। तो कल हमें बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा ट्रेलर का, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि फिल्म की तरफ से आउटपुट आना बहुत ज़्यादा कम है। फिल्म की पार्ट्स की तरफ से हमें आउटपुट अभी तक देखने को नहीं मिला है, जो कि ट्रेलर में खास तौर पर देखने को मिलेगा। टीज़र नहीं था, डायरेक्टली ट्रेलर आ रही है, तो भाई ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाली है। और इसे लेकर के, इसे रिलेटेड ट्रेलर को लेकर के एक और अपडेट हमें देखने को मिला है, जो कि एडिटर विशाल भाई की तरफ से, जो कि वहाँ पे वो लिखे हैं रेंडरिंग, मतलब छानबीन चल रही है, ट्रेलर की तर्जमा हो रहा है वहाँ पे ये वाली स्टोरी के साथ। तो गाइस ऑलमोस्ट इसको हम कंफर्म मान सकते हैं कि कल हमें ट्रेलर की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ सर क्या हो सकता है मेरे भाई, बड़ा मज़ा आएगा। ओके, देखते हैं किस तरह का ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पोस्टर के साथ कर रहे हैं, प्री ट्रेलर के साथ कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई पोस्टर तो आ ही सकता है डेफिनेटली। ओके, और अभी हम बात करते हैं बुक माई शो के बारे में। भाई बुक माई शो पे इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम था, मैं कल या परसों में आपको बता रहा था, जो कि आपको बता रहा था कि यही कुछ 235 के समथिंग ऐसा कुछ था। ओके, 240 के अंदर ही था, लेकिन आज के डेट में हम जब देखते हैं तो 250 के प्लस हो चुका है, 253 के, मतलब 2,53,000 से ज़्यादा तक की इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। मतलब
लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कल की 298 एडी मूवी को लेकर के, क्योंकि इन लोगों का प्रमोशन थम ही नहीं रहा है भाई। प्रमोशन देखो हर एक फिल्म का क्या होता है, किसी आउटपुट के साथ होता है, किसी इवेंट के साथ होता है, किसी इंटरव्यू के साथ होता है, जब मेकर्स जा करके करते हैं, लेकिन इन लोगों का प्रमोशन जो है भाई कंटिन्यू है बुज्जी के साथ। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा है, हर तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बुज्जी के हाथों हो रही है, जो बुज्जी घूम रहा है हर जगह पे, तो उसका प्रमोशन जो है ना 24 आवर्स चल ही रहा है भाई, हर जगह पे चल ही रहा है। लोगों के पास कल की 298 एडी मूवी का चर्चा, कल की 298 एडी मूवी का प्रमोशन पहुंच ही रहा है हमेशा। तो ये है एक्चुअल में खतरनाक प्रमोशन, और इस फिल्म के प्रमोशन का सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना भाई बुज्जी को ही जाएगा, और मेरे ख्याल से फिल्म का भी। ओके, फिल्म का भी, क्योंकि इसका कैरेक्टर जिस तरह का है हमें एनिमेटेड फिल्म में जो देखने को मिला है, भैरवा का एकदम से सारा का सारा चीज़ वो ही कर रही है ना, तो बुज्जी बहुत बड़ी क्रुशियल किरदार है। इसी वजह से तो इतने ग्रांड तरीके से उसका रिवील भी हुआ है ना। तो गाइस बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, आप कितना एक्साइटेड हो दोस्त ट्रेलर के लिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, और हाँ अभी कल की 298 एडी मूवी की जितने भी मतलब ऑफिशियल अकाउंट वगैरह जो है, कल की 298 एडी मूवी, कल की 298 एडी इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, नाग अश्विन जी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्रोड्यूसर लोगों का, बैजंती मूवीज़ का, तो हर जगह पर आपको स्टोरी देखने को मिलेगा कि देश विदेश में से कितना प्यार मिल रहा है बुज्जी और भैरवा की एनिमेटेड फिल्म को भाई। ये फिल्म ना लिटरली दुनिया भर से बहुत सारा प्यार लूटने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो कि बुज्जी और भैरवा की एनिमेटेड फिल्म को जितना प्यार मिल रहा है ना भाई, हमेशा ट्रेंडिंग पे है। और ये देखो फिल्म तो एकदम से नंबर वन होगा इंडिया का, इंडिया में इस तरह का फिल्म जो है पहली बार हो रही है, और ये फिल्म नंबर वन ज़रूर होगा। उसके साथ साथ एक एनिमेटेड सीरीज़ में भी ये लोग नंबर वन रखेंगे, ठीक है ना। मतलब बेस्ट एनिमेटेड सीरीज़ भी कल की 298 एडी मूवी के झोली में जाने वाला है। ओके, तो गाइस होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ट्रेलर के लिए आप कितना एक्साइटेड हो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।